न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। शहडोल में आने वाले पपौंद क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 58 गांव आते हैं, जो कि बीमार होने की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निपनिया पहुंचकर अपना इलाज करवाते हैं। वहीं अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो पोस्टमार्टम के लिए शव को ब्यौहारी ले जाने के लिए वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के अधिकतर लोग गरीब हैं, वहीं शव वाहन न होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ओर जहां सरकार गरीबों के हित की बात करती है, तो वहीं अगर कोई गरीब की अस्पताल में आकस्मिक मौत हो जाए तो शव वाहन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। आपको हम बता दें कि इसी क्षेत्र में बीजेपी विधायक का गृह ग्राम भी है, इसके बावजूद विधायक को क्षेत्र की कमियां नजर नहीं आ रही हैं। विराट 24 न्यूज के लिए शहडोल से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे पपौन क्षेत्र में 58 गांव है जहां शव वाहन की उपलब्ध नहीं है, और जो भी घटना होती है हमारे क्षेत्र में 58 गांव के अंदर, ठीक है, तो कहीं फ़ोन लगाओ, इधर फ़ोन लगाओ, प्राइवेट वाहन करो, सरकारी है नहीं। अगर व्यवहारिक फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल में या कहीं भी करते हैं तो वहाँ खानी आने में गाड़ी पंचर है, नहीं है, बिगड़ गई है, तेल नहीं है, कुछ भी हज़ार समस्या बताते हैं। हाँ बोलो। अगर यहाँ कोई लोकल में ऑटो करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जनता मानती है कि हम नले छुआछूत मानती है कि न ले जाएंगे, ऐसा हो कुछ बहाना बना के टाल देते हैं। पब्लिक को परेशानी, पब्लिक की परेशानी आती है, जरूरी है। हाँ, यह हम शासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक निपनिया स्वास्थ्य केंद्र में सौ वाहन की व्यवस्था की जाए, कम से कम परेशानी न हो। सर, यहाँ बांका में सौ वाहन की ज़रूरत है, जो कि यहाँ 12 घंटा सौ रखा रहता है, जो कि खराब हो जाती है, गाड़ी नहीं मिल पाती है, जनताओं को, पब्लिक को बहुत समस्या करना पड़ता है।